प्रांग बजरंग बली। आगे बरसाती बादल, पीछे वेदर धूप धूप, और बीच में हम NS200 के साथ। What's up beautiful and blossom people, this is Josh Armani. I'm back again with a new bright fresh vlog. So ऐसा कुछ खूबसूरत वेदर है, जैसे कि टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, व्लॉगिंग, सिटी राइड, सब मिक्स रहता है अपने व्लॉग में। लुक एट द व्यू गाइज, जब कभी यहाँ आता हूँ इट रिमाइंड्स मी ऑफ ल्यूटन बेडफोर्डशायर। 2011 में मैं ल्यूटन लंदन में था, बेडफोर्डशायर में। ये रोड ऑलवेज मुझे रिमाइंड करता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड गाइस। गाइस कई लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई आप कौन सा एक्शन कैमरा यूज करते हो, GoPro Hero 7 Black। पिछले साल हमने खरीदा था GoPro Hero 7 Black एंड स्टिल आई एम यूजिंग इट एंड टिल टुडे वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन कैमरा, जबरदस्त एक्शन कैमरा है गाइस। लास्ट जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया उसके बाद तो चार चांद लग गए, आधे में धूप और आधे में बरसाती बादल। देख रहे हो, हमको जाना है लेफ्ट की साइड। कि अगर आप अपने बजट को थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो तो इसका एक अपडेटेड वर्जन आ गया है, GoPro Hero 8। बढ़िया कैमरा है GoPro का, और जो GoPro Hero 8 निकला है गाइस, आउट ऑफ द चार्ट क्वालिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैमरा क्वालिटी आपको मिलेगी उसमें। बजट थोड़ा कम है तो आप Hero 7 Black के साथ जा सकते हो। मेरे सारे जो मोटो व्लॉग्स हैं वो आप देख लो, सभी GoPro Hero 7 Black में ही शूट किए हैं। जो यंग जनरेशन है ज़्यादातर वो 200cc बाइक को चूज करती है और या तो उसके अबव जाती है। आप NS200 BS6 खरीदो, KTM Duke 200 खरीदो, या 250cc की खरीदो, या कोई भी बाइक खरीदो, एक चीज़ मैं आपको इस आज वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी ऐसे कमेंट पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए ताकि कुछ अवेयरनेस और एजुकेशन का लेन देन हो आप लोगों के साथ, और आपको भी कुछ ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे जाके आप अपना कमेंट प्रदान कर सकते हो, तो ऐसे ही अपने नॉलेज का आदान प्रदान चलता रहेगा। आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा, विन विन सिचुएशन। गाइस जब भी आप बाइक परचेस करते हो आपको वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग का एक्सपीरियंस मिलता है, नई बाइक होती है, बाइक चलाने का एक्सपीरियंस भी जबरदस्त होता है, काफी हद तक स्मूथ फ्लॉलेस राइडिंग का एक्सपीरियंस मिलता है आपको, राम महादेव। बट कुछ टाइम जाने के बाद कंप्लेन शुरू हो जाती है और बाइक में फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है गाइस? लेने के टाइम पे तो आप एकदम एक्साइटेड होते हो, पूरा जोश होता है, नहीं मुझे परचेस करनी है, मेहनत करके कोई भी जुगाड़ करके कैसे भी करके आप बाइक खरीद लेते हो। बट जब उसको मेंटेन करने की बात आती है गाइस, कई लोग ये चीज़ नहीं कर पाते, मतलब कि ये चीज़ फॉलो नहीं होती, कंप्लेन करते हैं कि भाई बाइक अच्छी नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम है, इतने टाइम में ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरी जो NS200 BS4 वर्जन है ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को आया है। टाइम पे फुल्ली सर्विस आप कराते हो ऑन रेगुलर बेसिस, आई डोंट थिंक यू गोना गेट एनी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है सिवाय बैड लक के। बट गाइस सच बताओ कितने लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं, आप ही सोचो यार, हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है लाइफ में। तो कहने का तात्पर्य ये गाइस कि अगर आप बाइक खरीद रहे हो तो उससे पहले दिमाग में ये रखो कि भाई इसको मेंटेन करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, अगर ज़बरदस्त फ्लॉलेस स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस लेना है तो। इतने जोश में बाइक लेते हैं, स्पोर्ट्स बाइक 5-6-7 लाख वाली, और बाद में लॉस करके बेच रहे हैं। अब अगर वो बंदे नई बाइक ले रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। बट अगर आपको अपनी बाइक इस वजह से बेचनी पड़ रही है कि आप इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बाइक की जो माइलेज है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप मत खरीदो ये बाइक। इतनी एक्सपेंसिव बाइक आप खरीद रहे हो तो थोड़ा मार्केट में जाके रिसर्च तो करो गाइस, कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है इसकी, किस तरीके से आप इसको मेंटेन कर पाओगे,
कितनी माइलेज है इसकी, पर मंथ कितना खर्चा लगेगा आपको, आप थोड़े टाइम बाद रिग्रेट करोगे यार अपने परचेस को। और ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हमारे आसपास होती है, मैंने देखा है। और मैं ये नहीं चाहता गाइज कि आप में से कोई भी बंदा आगे जाके परेशान हो। वंस अगेन गाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी बाइक खरीदो, 200cc की हो, अबोव 200cc की हो, या इवन स्पोर्ट्स बाइक हो, आप कैलकुलेट करो, अगर आपको उस बाइक राइडिंग का ज़बरदस्त लुफ्त उठाना है तो ये जान लो कि सिर्फ खरीदने से ही स्टोरी ख़त्म नहीं होती, वहाँ पे तो शुरुआत होती है। आगे जाके रेगुलर बेसिस पे आपको उस बाइक की सर्विस करानी होगी, उसको मेंटेन करना होगा, तब जाके आपको वो बाइक रैपिडली कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली सेम फीलिंग देगी जैसे बाइक आपने ब्रांड न्यू शोरूम से छुड़ाई हो। प्राण बजरंग बली। आई होप गाइस काफ़ी हद तक हमारा जो पॉइंट था आज के वीडियो का मैंने क्लियर कर दिया है। अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, आप लोगों का प्यार दिख रहा है, आप लोगों का सपोर्ट दिख रहा है मुझे, थैंक यू वेरी मच। सो यस गाइस, नाउ इज टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। बट जाने से पहले गाइज, अगर आप ये चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली वो जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो, पास का जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दो, ताकि हमारी हर एक वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको एवरी सिंगल टाइम मिले। टारगेट करते हैं 500 लाइक्स का, पूरा यकीन है गाइज हमारा टारगेट डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। तो बस गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव फन, have a great time, see you later, thank you for watching this video, thank you very much, peace out, mask पहनो, sanitize करो, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखो, social distance maintain करो, और बस guys, life को enjoy करो, keep moving forward, be creative, never give up on your dreams, yes.